हरियाणा में विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच भाजपा में एक रोचक मामला सामने आया है। यहाँ महेंद्रगढ़ सीट पर भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, फिर भी एक नेता ने खुद को भाजपा कैंडिडेट बताते हुए अपना नामांकन तक भर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्ट एंट्री। दरअसल हरियाणा की महेंद्रगढ़ सीट के लिए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जोर लगा रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों की 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम न आने पर रामविलास शर्मा बागी तेवर दिखा चुके हैं। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार को अपने घर पर समर्थकों की भीड़ तक जुटा डाली। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए नेता कैलाश चंद्र पाली ने शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया। कैलाश महेंद्रगढ़ के पास लगने वाले पाली गांव के रहने वाले हैं। नामांकन पत्र के साथ दिए गए एफिडेविट और पत्र के कॉलम में उन्होंने खुद को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बताया। इसके बाद भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर कैलाश चंद्र पाली के नामांकन की बात सामने आई तो भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया। नेता कार्यकर्ता पड़ताल में जुड़ गए कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जब वो नामांकन भर रहे थे उसी दौरान रामविलास शर्मा भाजपा टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में पता चला कि कैलाश चंद्र पाली ने भाजपा के टिकट पर नामांकन भर दिया है, लेकिन उनको टिकट तो मिली ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कैलाश तय समय के अंदर भाजपा के टिकट का पार्टी से जारी किया गया ऑफिशियल पत्र जमा नहीं कराते हैं या फिर भाजपा दूसरा कैंडिडेट घोषित करती है तो कैलाश चंद्र का नामांकन रद्द हो जाएगा। सरकारी टीचर रिटायर्ड हुए कैलाश चंद्र पाली लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और साथ ही संघ का सक्रिय सदस्य भी हैं। बता दें कि राम मंदिर के निर्माण का चंदा इकट्ठा करने में कैलाश चंद्र पाली ने खास भूमिका निभाई थी। उनको जिला का संयोजक भी बनाया गया था। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दयाराम यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक महेंद्रगढ़ सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं बनाया है। उन्होंने साफ बताया कि सीट पर नामांकन भरने वाला संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति जरूर। तो ये तो बात थी महेंद्रगढ़ सीट की, वहीं दूसरी ओर भाजपा में पुराने नेताओं की बगावत के किस्से भी थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा अपडेट कालावली से है, जहां से पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने शनिवार को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो कांग्रेस में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। बलकौर सिंह ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि मुश्किल समय में पार्टी का साथ देने के बावजूद उन्हें पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला। पूर्व विधायक ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए पूरे दिल से काम किया है और मुश्किल परिस्थितियों में भाजपा का झंडा ऊंचा रखा है, बावजूद इसके मुझे संगठन या सरकारी पद पर सम्मान नहीं मिला। बलकौर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र देसुजोधा की आलोचना करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए थे। बलकौर सिंह का ये भी कहना है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो नशा बेचते हैं, उनका परिवार नशा बेचता है और गांव में गोलियां भी चली हैं। हमें पहले ये पता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो गलत है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के नेतृत्व में अपने समर्थकों के साथ दिल्ली जाऊंगा और कांग्रेस में शामिल होऊंगा। मैं आगे भी लोगों की सेवा करता रहूंगा। तो देखा अपने भाजपा में कैसे कोई जबरदस्ती अपना नामांकन भर रहा है तो कोई नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। इस पूरे रस्साकशी के खेल में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस विषय में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।